सो दोस्तों, फाइनली रायदूत कंपनी की बाइक्स अब फिर से हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे वापस आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रायदूत कंपनी की पहले दोस्तों 175 सीसी और 350 सीसी सेगमेंट में जो है बाइक्स आती थी, लेकिन दोस्तों उन बाइक्स को 1992 यानी दोस्तों 1992 में उन बाइक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं कि रायदूत कंपनी अब यामा कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अब दोस्तों अपनी पहली 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स को लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर बाइक के लुक्स के बारे में बात करी जाए तो बाइक का जो लुक है दोस्तों वो आप लोग को काफी ज्यादा रेट्रो स्टाइलिश देखने को मिलेगा, जो कि देखने के मामले में दोस्तों बाइक जो है वो काफी क्लासिकल लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊं तो इस पे दोस्तों आप लोग को कुछ खास फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी दोस्तों बाइक पे आप लोग को कंप्लीट हेलोजन लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों बाइक पे आप लोग को फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को नॉर्मल बेसिक ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बाइक पे आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेक वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहीं पे दोस्तों अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को 125 सीसी की एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन दी जाएगी, जिसपे दोस्तों लगभग आप लोग को 12 BHP तक की पावर और 11 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक जो है दोस्तों ये 5 स्पीड गेयरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसपे दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बाइक की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है दोस्तों माइलेज, जो कि दोस्तों लगभग आप लोग को इस बाइक से 70+ KMPL का माइलेज जो है इजीली देखने को मिलेगा। बात कर जाए दोस्तों प्राइसिंग के बारे में तो लगभग दोस्तों 1,00,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए के आसपास में इस बाइक की जो है एक्सपेक्टेड ऑन रोड प्राइसिंग बताई जा रही है। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोग को लॉन्च के बारे में बताऊं तो वैसे तो दोस्तों यामाहा कंपनी की ओर से और रायदूत कंपनी की ओर से ऑफिशियली कोई भी न्यूज वगैरह नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों फिर भी कहा जा रहा है कि इस बाइक को हो सकता है कि 2024 के एंड तक में जो है हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया जा सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों कि रायदूत बाइक को फिर से हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।